देश की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस आखिरकार पटरी पर उतर गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगरा के लिए रवाना किया और गतिमान एक्सप्रेस भी दिल्ली से आगरा की दूरी महज 100 मिनट में पूरी कर उम्मीदों पर खरी उतरी। इस ट्रेन में कई खूबियां बताई जा रही हैं और पहली बार ट्रेन में प्लेन की तरह ट्रेन होस्टेस होंगी। सबसे तेज रफ्तार गतिमान एक्सप्रेस इम्तिहान में पास हो गई ट्रेन। सौ मिनट में दिल्ली से आगरा। गतिमान एक्सप्रेस के सफर की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेलवे के इतिहास में 5 अप्रैल का दिन सुनहरे अध्याय के तौर पर जुड़ गया। हिंदुस्तान की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस अपने बड़े इम्तिहान में पास हो गई। 100 मिनट में दिल्ली से आगरा कैंट तक का सफर तय किया। गतिमान एक्सप्रेस 10:09 पर दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से निकली और 11:49 पर आगरा कैंट पहुंच गई। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सुरेश प्रभु ने कहा कि इससे हासिल होने वाला अनुभव देश और रेलवे की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण होगा। गतिमान एक्सप्रेस ये हमारे रेल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमने ये तय किया है कि पूरे देश में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी रेलगाड़ियां आज के ज्यादा स्पीड से चले। हमारी ये कोशिश है कि आम जनता जिस गाड़ी से सफर करती है वो गाड़ी भी ऐसी स्पीड से चले कि उनके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उनको कोई भी दिक्कत ना आए, और ये करने के लिए देश में अच्छी तकनीकी ज्ञान आनी चाहिए। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली गतिमान एक्सप्रेस से दिल्ली से आगरा के बीच का सफर अब और आसान हो गया है। प्लेन की तरह तमाम सुविधाओं से लैस हाई स्पीड ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। गतिमान एक्सप्रेस में प्लेन की तरह हॉस्टेस की सुविधा भी होगी, जो यात्रियों को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत करेंगी और प्लेन की तरह यात्रियों को सीट पर सर्विस दी जाएगी। ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार और 8 एसी चेयर कार कोच होंगे। यात्रियों को मल्टीमीडिया मनोरंजन की मुफ्त सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ट्रेन के डिब्बे में हॉटस्पॉट उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यात्री अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप पर सीधे इन सुविधाओं का निशुल्क लाभ उठा सकेंगे। यात्री निशुल्क कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। इस दौरान यात्रियों को सीमित अवधि के विज्ञापन भी दिखाए जाएंगे। साथ ही ट्रेन में हाई पावर इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर अलार्म, जीपीएस पर जानकारी और कोच में स्लाइडिंग डोर जैसे फीचर्स भी हैं। ट्रेन में केटरिंग की सुविधा भी बेहतर होगी। इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह के खाने ट्रेन में दिए जाएंगे। यात्रियों के खाने में कई वैरायटी होंगी, जैसे उपमा, डोसा, इडली, फल, आलू, कुलचा, चिकन रोल, ऑमलेट और केक भी मिलेगा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन रोजाना सुबह 8:10 पर रवाना होगी और 9:50 पर आगरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन आगरा से शाम 5:50 पर चलेगी और 7:30 पर निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच जाएगी। तो अब तैयार हो जाइए दिल्ली से आगरा के बीच ट्रेन में प्लेन जैसा सफर तय करने के लिए। सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली।